दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, बॉट एंड स्ट्रीम चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आज उसकी थर्ड टाइप और जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है उसकी, वो आज हम करने जा रहे हैं। इसको मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कराने जा रहा हूँ। एक बार मैं आपको इसका मेथड भी बता दूंगा और दूसरा आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। आप शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको तो देखिए, जो आप इसके क्वेश्चन छोड़ देते आप उसको नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल इसका क्लेम करता हूँ कि आप इसको छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कि अ बोटमैन गोस 39 किलोमीटर डीएस डाउन स्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड टेक्स 8 आवर्स व्हाइल इट टेक्स 10 आवर टू गो 52 किलोमीटर डीएस एंड 30 किलोमीटर यूएस। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो देखिए इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे दोस्तों। इसको करने का तरीका ये है कि डीएस देखिए, डीएस पहले तो मैं आपको इसका मेथड बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक। डीएस यूएस और टाइम कितना है ये, तो देखिए डीएस में कितना जा रहा है, ये 39 किलोमीटर और यहां पर जा रहा है 25 किलोमीटर। तो टाइम कितना लग रहा है ना, 8 आवर्स लग रहा है। अब देखेंगे यहां पर कि ये डीएस कैसे निकलता है। डीएस निकलता है कैसे, बोट प्लस वाटर से। यहाँ पर क्या आएगा, बोट माइनस वाटर होगा। इन दोनों को जो टाइम होगा प्लस करके 8 आना चाहिए। ऐसे ही दूसरा क्या कह रहा है ये, एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा कि डीएस जा रहा है 52, इसके अपॉन में ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा 30 किलोमीटर और इसके अपॉन में ये रहेगा। और इसमें कितना टोटल टाइम लग रहा है इन्हें, इन्हें लग रहा है इतना। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करें, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डीएस होता है किलोमीटर में और डीएसएस होता है किलोमीटर पर आर में, डीएसएस होता है किलोमीटर पर आर में। इसमें बात होती है स्पीड की, इसमें बात होती है डिस्टेंस की। तो देखिए अब इसको या तो इस तरीके से करें आप, या इसे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके से करें जो शॉर्ट मेथड है। तो देखिए शॉर्ट मेथड ही बता रहा है मुझे, आपको इसे सॉल्व भी कर सकते हैं आप एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिएगा ये है डीएस, ये है यूएस और ये है टाइम। डीएस है ये, यूएस है ये और ये, उसके बाद डीएस है ये, यूएस है ये और टाइम है ये। दोस्तों जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि डीएसएस ऑलवेज बड़ा होगा यूएसएस से और ये पूरा होगा एज्यूम, ये एज्यूम करना होगा आपको बस। अगर आपने एज्यूम कर लिया ना, फिर इसमें कुछ नहीं है। जो आपको मैंने ये मेथड बताया है ना, इससे तो बहुत कम टाइम में निकल जाएगा। तो आप इसे देखिए कैसे निकालना है। अब कोई ऐसा नंबर है जो ये काट दे इसको और इसे काट के 8 ले आए। देखिए मैंने एज्यूम कर लिया है 13, देखिए यहां पर 5, यहां पर 13 और यहां पर 5। मैं इसे काटता हूं कितना आया 3, इसको काटता हूं डिवाइड करता हूं उसे कितना आया 5। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 8। यहां पर देखिए अगर मैं इसे काट रहा हूं कितना आ गया 4 और इसे काट रहा हूं 5 से तो कितना आ गया 6। देखिए जो आपने डीएसएस यहां रखा है ना वही यहां रखना, और जो यहां यूएसएस रखा है वही यहां रखना, और डीएसएस हमेशा बड़ा होगा यूएसएस से। अब देखिए 13 बड़ा है ये 5 से, तो इट मीन्स ये यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा है और यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ के टाइम आना चाहिए वही जो आ रहा है, और यहां पर भी डीएसएस बड़ा होना चाहिए यूएसएस से। तो देखिए आपके पास डीएसएस मिल गया, डीएसएस कितना मिल गया 13 और यूएसएस कितना मिल गया, कितना आएगा यूएसएस 5। याद रखिएगा ये नहीं आएगा यूएसएस, ये है जो नीचे आपने माना है, ये जो ऊपर माना है वही नीचे मानना होगा और यहां पर सेटिस्फाई करके ये लाना होगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है आपको तो मुझे आप जरूर बताएं। और इसने पूछा है अब फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। तो देखिए फाइंड द स्पीड ऑफ बोट कैसे निकालेंगे। बोट की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है, बोट पूछ ले चाहे वाटर पूछ ले, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें बोट कैसे निकलता है, डीएसएस प्लस यूएसएस अपॉन में 2। तो क्या करेंगे हम यहां पर, 13 प्लस 5 अपॉन में 2 कितना आ रहा है आजकल ये 18 का अपॉन में 2, तो मीन्स 9 किलोमीटर पर आर। एक तो ये हो गया और उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद इसमें निकालेंगे क्या, अगर पूछ लिया है तो निकाल देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। डी एस एस
माइनस यूएसएस अपॉन में टू। तो देखिए कितना आ जाएगा यहां पर, फोर या एट, एट आएगा, एट अपॉन में टू, तो ये कितना आ गया, फोर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा, अगर इसने पूछा है स्पीड ऑफ बोट तो बोट होगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं बिना देरी के, और आपके लिए बहुत यूजफुल होगी यकीन मानिएगा, और इसको आप अप्लाई कीजिएगा जहां भी ऐसा क्वेश्चन देखे। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, एज्यूम करना है, अगर वो आपने एज्यूम कर लिया, और इसमें इजिली एज्यूम कर सकते हैं कोई कि डी एस एस बड़ा है और ये छोटा है, बस नंबर से डिवाइड करके देखिएगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अब इसको आप वीडियो पॉज करके अपने आप करके देखिए, मैं तो अभी सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देखिए इसमें डीएसएस क्या दे रखा है, यूएस दे रखा है ये, और टाइम ये। सबसे पहले डीएस कितना दे रखा है, डीएस दे रखा है 24, फिर उसके बाद 36, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, डीएस दे रखा है ये, क्या कहते हैं आप, बोटमैन गोस 24 किलोमीटर डीएस, 36 किलोमीटर यूएस इन 9 आवर लिख दिया। व्हाइल इट टेक्स 8 एंड 1/2 आवर, 8 राइट 1/2 आवर टू गो 36 किलोमीटर डीएस एंड 24 किलोमीटर यूएस, 8 एंड हाफ आवर्स लेता है वो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी से ऐसे भी लिख सकते हैं ना, चाहे लिख लीजिए आप चाहे ना लिखिए, बात एक ही है, समझ में आना चाहिए, इन दोनों का मतलब एक ही है, कोई अलग तो नहीं है कि आनी अलग है। देखिए सॉरी, इनका मतलब एक है। अब देखिएगा आपको यहां पर एक चीज करनी है, वही सोचना है कि यहां पर डीएसएस क्या होना चाहिए, डीएसएस बड़ा होना चाहिए यूएसएस से, जब हम एज्यूम करेंगे इसको एज्यूम ही करना है। तो देखिए मैं इसे काटता हूं, यहां पर मैं 8 ले लेता हूं या कोई भी नंबर जिससे मैं ये काट सकता हूं, यहां मैंने 8 ले लिया और यहां मैंने 6 ले लिया, यहां पर आ गया 6 और यहां आ गया 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 3 प्लस 6 कितना होता है आजकल, 9 होता है, फिर वापस मैं यहां 8 लूंगा क्योंकि जो यहां एज्यूम किया वही यहां करना होगा, फिर वापस यहां पर 6 लूंगा क्योंकि जो एज्यूम यहां किया वही यहां करना होगा मुझे। तो इसे जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 4.5, और यहां जाएगा 4, तो 4.5 प्लस 4 कितना होता है आजकल, 8.5, या ये भी बात एक ही है। तो आपको पता लग गया डीएसएस कितना आया, डीएसएस आया है 8, और यूएसएस कितना आया, क्या आया यूएसएस, 6 किलोमीटर पर। देखिए आपको ये लग रहा होगा कि भाई डीएसएस बड़ा क्यों लेना है, तो डीएसएस बड़ा इसलिए लेना है क्योंकि आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कि जो स्पीड होती है और टाइम होता है ना, इसमें रिवर्स रेशो बनता है, इसका जो रेशो बनता है वो रिवर्स बनता है, मींस अगर स्पीड का रेशो है 1:2 तो टाइम होगा 2:1, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। अगर डीएसएस की स्पीड ज्यादा होगी तभी तो उसमें टाइम कम लगेगा, जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो उसमें टाइम कम लगेगा, और जब धारा के अपोजिट जाएगी तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो स्पीड क्या होगी उसकी, कम होगी, जिसमें टाइम कम लग रहा है उसमें क्या होगी, स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं टाइम कम लग रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, देखिए इसकी स्पीड ज्यादा है यहाँ पर, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है पर इसकी स्पीड कम है यहाँ पर, तो ये सोच के ये कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो देखिए अब इसमें निकालना है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो यहां पर निकालना है बोट, तो कैसे निकलेगा बोट, डी एस एस प्लस यू एस एस अपॉन में ये, तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 6 अपॉन में 2, 14 अपॉन में 2, तो 7 ये आ जाएगा, तो आपके सामने आंसर ये आ गया, तो ऑप्शन में क्या होगा ये वाला। तो आपको बस इतनी सी चीजों का ध्यान रखना है, अब इसमें आप बताइएगा कि वाटर की स्पीड क्या होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। अगर लगता है कि कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज बताइए, कमेंट कीजिए ताकि उसको मैं और अच्छे से समझा पाऊँ, अगर लगता है कि नहीं आया, और कमेंट जरूर किया करें कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो मिलते हैं आपको इसके, अगर कोई क्वेश्चन अच्छा रहा, या मैं इसके लिए एक दो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ बोर्ड की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको। तो आ गई है आज गर्मी, अब पड़ेगा आम का अचार, इसी के साथ समाप्त हुए आज के मुख्य समाचार। धन्यवाद।